हेलो फ्रेंड्स, shashishukla.com किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मनचाओ सूप बनाना बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले ये हाफ बॉयल जो चाउमीन होती है वो लिया है। ये लगभग मेरा 50 ग्राम मैंने ये चाउमीन है, इसको हम साइड कर लेते हैं। और ये देखिए, 8 से 10 बीन लिया है मैंने, अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 छोटा प्याज है और ये 2 शिमला मिर्च है। ये सारी चीज़ें मैंने धो ली हैं। 1 गाजर है, 1 हरी मिर्च ले ली है मैंने। और ये देखिए, लगभग 100 ग्राम के लगभग ये पत्ता गोभी है, और इनके जो भी छिलके हैं वो भी मैंने लिया है। ये देखिए, ये 1 लीटर पानी है, इसमें ये सारे छिलके हम डाल देंगे, क्योंकि हम वेजिटेबल स्टॉक बनाएंगे, उससे सूप हमारा बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, शिमला मिर्च काटने के बाद जो डंडी बनी है बची वो भी, और धनिया की डंडी, गाजर का छिलका, और ये बीन्स का जो ऊपर नीचे का हिस्सा, और अदरक के भी छिलके, सारे हम इसमें डाल के, क्योंकि हमने सब्जियों को पहले ही अच्छे से धो लिया था, और इसको हम कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए उबलने देंगे, ताकि हमारा एक बहुत अच्छा वेजिटेबल स्टॉक बन जाए सूप के लिए। और बाकी हम ये सब्जियां इसको हम गैस पे चढ़ा देते हैं, जो वेजिटेबल स्टॉक बनाना है। और बाकी ये सारी सब्जियां हमें बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है। और सब्जियां आप मशरूम भी ले सकते हैं, ब्रोकली भी ले सकते हैं, कोई भी सब्जी अपने मनपसंद की ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 1.5 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर लिया है, ये नमक स्वाद अनुसार जाएगा, और काली मिर्च पाउडर भी लिया है मैंने, डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, और थोड़ा सा इसमें जाएगा वाइट विनेगर, और आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो, अगर आप खाते हो तो डाल सकते हैं। अदरक, मिर्च और लहसुन को हम एक साथ बारीक बिल्कुल काट लेंगे, और बाकी ये सारी सब्जियां भी हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे। मैं ये सारी सब्जियां चॉपर में काटने जा रही हूँ, फिर आपको काट के दिखाती हूँ। तब तक हमारा स्टॉक उबलता रहेगा, और फिर हम बाद में नूडल्स भी फ्राई करेंगे, इसमें हमें फ्राइड नूडल्स चाहिए होंगे। तो चलिए, मैं स्टेप आपको बताती जाती हूँ। पहले आप सब्जियों को बारीक काट लीजिए, अदरक लहसुन और मिर्च को भी बारीक काट लीजिए। अगर आप मिर्च नहीं, अदरक और लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सारी सब्जियाँ बिल्कुल बारीक काट ली हैं, इतनी बारीक होनी चाहिए। और आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप थोड़ा सा घिस भी सकते हैं, या बारीक बारीक आप काट सकें तो काट भी सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी बारीक कर ली है। ये देखिए, बिल्कुल बारीक हैं सारी सब्जियाँ। तो अब हमारा इधर स्टॉक भी तैयार हो गया है। ये देखिए, लगभग इसको 15 से 20 मिनट हो गए हैं उबलते हुए। ये देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। सबसे पहले अब हमें नूडल्स फ्राई कर लेना है। नूडल्स फ्राई करके हम साइड में रख लेंगे, उसके बाद हम सूप बनाएंगे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं तो सूप बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तेल को हम गर्म होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा तेल गर्म हो गया है। हम थोड़े थोड़े करके इसमें नूडल्स डाल देंगे। मैंने हाफ बॉयल वाला नूडल्स लिया है। अगर आप वैसा नूडल लेते हैं जो बॉयल नहीं होता है, तो आप उसको थोड़ा सा बॉयल करने के बाद ही तलिएगा। बॉयल करने के बाद पंखे में थोड़ी देर छोड़ दीजिए, सूख जाए, उसके बाद आप तलिए। तो हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको तलेंगे, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने तल लिया है। बहुत ज़्यादा हमें इनको जलाना नहीं है। ये देखिए, बाकी के भी हम ऐसे ही डाल के और इसको तल लेंगे। नूडल बिल्कुल क्रिस्पी हो जानी चाहिए और जलने भी नहीं चाहिए। फ्रेंड, ये देखिए, मैंने लोहे की कढ़ाई रख ली है। अगर आपके पास वॉक हो तो आप वॉक भी रख सकते हैं। और जिस तेल में मैंने नूडल्स तला था, उसी से मैं, ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने तेल ले लिया है। इसको वैसे तो तेल गर्म ही है, थोड़ी देर और गर्म होने देते हैं। फिर हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दी है, और इसको हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे, बस 2-3 सेकंड के लिए। बहुत ज़्यादा हमें कोई चीज़ नहीं पकानी। जैसे आपको नाम से है मनचाओ सूप, तो इसमें चाउमीन भी यूज़ होगा, तो इसीलिए मैंने नूडल्स को फ्राई किए हैं। ये देखिए, फ्राई हो गया है हमारा अदरक लहसुन। अब हमने सारी सब्जियाँ डाल दी हैं इसमें, और इसको भी हम हाई फ्लेम पर ही इसको 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, सब्जियां हमारी 15 से 20 सेकंड के लिए ही बस हमने पकाया है। अब हम इसमें अपना वेजिटेबल स्टॉक जो हमने उबाला था, उसको हमने छान लिया था, और वो डाल देंगे। ये देखिए,
ये पूरा डाल देंगे। मैंने एक लीटर पानी में उबाल दिया था सारी सब्जियों के छिलकों को, और इसको अब हम एक उबाल पहले आने देंगे, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब इसमें बॉयल आने लगा है, तो अब हम इसमें नमक और अजीनोमोटो, ये दोनों साथ में है, मैंने डाल दिया है। आधा चम्मच अजीनोमोटो था और आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्च हम इसमें डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया है, और ये देखिए डार्क सोया सॉस एक टेबल स्पून के लगभग मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको हम पकने देंगे अच्छे से। तब तक हम ये अपना जो हमारे पास ये कॉर्नफ्लोर है इसको मैं घोल लेती हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इसके स्लरी टाइप की बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको घोल लिया है, और एक हाथ से ये डालते रहेंगे हम स्लरी कॉर्नफ्लोर की, और एक हाथ से इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये बैठ के इसमें लम्स ना पड़े, ये देखिए। और साथ के साथ अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से बॉयल ना आ जाए और थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड, एक मुट्ठी नूडल्स मैंने इसमें डाल दिए हैं जो हमने फ्राई किए थे, वो भी इसी के साथ एक मुट्ठी डाल दिए हैं, बाकी मैंने बचा लिए हैं, बाकी मैं प्लेटिंग करते टाइम डालूंगी। अगर आप सब्जियां कम खाते हैं तो थोड़ी सूप कम डालिएगा सब्जियां, मैं थोड़ी ज़्यादा, मुझे सब्जियां पसंद है सूप में, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा सब्जियां डाली है। आप पानी और भी बढ़ा सकते हैं, आप अलग से भी पानी डाल सकते हैं, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप स्टॉक ही डालें। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सूप लगभग रेडी हो गया है। अब हम इसमें एक चम्मच हमने वाइट विनेगर डाल दिया है, जिससे कि टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, और बहुत इजी है, कोई ज़्यादा इसमें ट्रिक की बात नहीं है। अब हम इसको 20 से 25 सेकेंड के लिए और पकाएंगे, क्योंकि हमें सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, फिर मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सूप बिल्कुल, मनचाओ सूप बिल्कुल रेडी है। आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको नमक मिर्च कुछ कम लग रही हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सूप को प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है, सूप डाल लिया है बाउल में, और ये जो हमने नूडल्स फ्राई किए थे वो भी हमने बीच में डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से हरा धनिया डाल के और ऐसे प्लेटिंग करूँगी। जब भी आप प्लेटिंग करिए फ्राइड नूडल्स ज़रूर डाल दीजिए ऊपर से, बहुत टेस्टी लगते हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड, आपको ये मेरी मनचाओ की रेसिपी, मनचाओ सूप की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।